कुलदीप जी, आज खड़गे साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, ये आपके लिए कहा गया है, क्या 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 प्रतिक्रिया है आपकी इस पर कुलदीप जी? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने उनके शब्दों का क्या मतलब निकाला होगा, वो तो सुरेंद्र जी बता पाएंगे, लेकिन मुझे ये बात तो सत्य है कि अन्याय करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। और अन्याय तो आज वो लोग कर रहे हैं देश में जिन्हें इस देश ने सत्ता दी आज से 9 साल पहले, और 9 साल के अंदर उन्होंने इस देश की बेटियों के साथ अन्याय किया, मणिपुर के साथ अन्याय करने का काम किया, इस देश की महिला पहलवानों के साथ अन्याय करने का काम किया, किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया, देश के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया और देश को धोखा देने का काम किया। और आज जब प्रधानमंत्री जी को दिख गया कि इनकी कुर्सी खिसकने वाली है, तो रोज नए नए प्रोपेगेंडे लेकर देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं, लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है कि उन्होंने जिस प्रकार से देश की एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। कल एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि वो कितनी जांच करा रहे, लेकिन अगर जांच में कुछ नहीं पाया गया तो क्या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये कितनी बड़ी बात है, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये बात कहनी पड़ी, इसलिए क्योंकि इतनी जांच दिल्ली सरकार के ऊपर और अन्य विपक्षी पार्टियों के ऊपर मोदी सरकार सीबीआई के माध्यम से। आपने अपनी बात कह ली ना, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे जवाब दीजिए। खड़गे जी की जो बात है कि अन्याय करने वाला ज्यादा टिकता नहीं है, आपको नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी के लिए बोली उन्होंने? क्योंकि आपने सुखपाल खेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कांग्रेस कह रही है आप वहां पे सुखपाल खेरा को गिरफ्त करके पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं पंजाब में, और अकेले ये लड़ाई तो नशे के खिलाफ है भाई कुलदीप जी। नहीं, अरविंद जी ने कहा आज, तो ये खड़गे जी का बयान आपके लिए नहीं है पक्का? बिल्कुल, वो लड़ाई बिल्कुल नशे के खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर नशे को पनपने नहीं देगी, इसलिए पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है। दूसरी बात है कि जिस भी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, वो अप्रैल के अंदर जो है सेशन कोर्ट ने एक वहां पर जो एक एसआईटी का गठन किया था, और एसआईटी की उस जांच के अंदर दोषी पाए गए, तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसके सेशन कोर्ट के आदेश पे हो रही है, एसआईटी के गठन के उस पे हो रही है, तो उसको आप यहां मत जोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग सब इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक साथ है, और यही इंडिया गठबंधन जो आज है वो प्रधानमंत्री जी की घबराहट बना हुआ है कि उनको पता है कि अगर इंडिया गठबंधन 2024 तक जो आज जाने वाला है, जो 2024 तक एक साथ एकजुट होकर लड़ने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी को अपनी 150 सीटें लेने के भी लाले इस देश में पड़ने वाले हैं, और वापस भाजपा के वही दिन आने वाली है जहां से भाजपा ने शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो। आज देश की महिलाएं, आज देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को सारा देश लुटाने में व्यस्त है, वो केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन मिलकर इस देश के जो है 140 करोड़ लोगों के लिए योजनाएं बनाएगा, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेगा, इस देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। आप सुनना ही नहीं चाहते खड़गे जी का बयान, कोई बात नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बताइए खड़गे जी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? कुलदीप कुमार कह रहे हैं हमारा इंडिया गठबंधन तो बस जीतेगा, 150 सीट नहीं जीत पाएंगे मोदी जी। राजपूत जी, पर आप लड़ेंगे भिड़ेंगे तो कैसे जीतेगा इंडिया? ऐसे ही जीतेगा इंडिया दीपक भाई, लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आतताइयों के खिलाफ लड़ेंगे, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, मायावी लोगों के खिलाफ लड़ेंगे और भिड़ेंगे और जीतेंगे। रही बात, ठीक है हमारे कुछ मतभेद हैं, हम भी मानते हैं इस बात को, हम बहुत साफ साफ बात करते हैं। अगर हम मतभेद नहीं होते हमारे में तो हम एक दल होते। पंजाब में शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है, ये पार्टी की बदले की कार्रवाई हो न हो, ये बदले की कार्रवाई भगवंत मान की है। क्यों? क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, 2015 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, वहां से हाई कोर्ट से हमको रेगुलर जमानत मिल चुकी है। इसके बाद जो एसआईटी का गठन है उसमें पूछताछ के लिए हमारे सुखपाल खैरा जी उपलब्ध हैं, लेकिन ठीक है अपनी बात यह है, हम कानून का रास्ता तलाशेंगे, लेकिन इस बात से इंडिया के गठबंधन का कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिस तरीके की भाषा आपने, आपके मीडिया के साथियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है दीपक भाई, तो एक बार जरा सा ये भी तो कर लीजिए कि AIDMK भाग गया इनके यहां से, क्या नाम, साउथ इंडिया का सबसे मजबूत दल जो इनके साथ था वो हट गया।
इनके पास से शिवसेना हटी, शिवसेना इन्होंने तोड़ ली, इनके पास से क्या नाम जेडीयू हट गया, इनके पास से अकाली दल हट गया, अकाली दल इन्होंने तोड़ लिया, जेडीयू तोड़ नहीं पाए ये लोग। तो आप ये तो कोई बात नहीं कर रहा है कि एनडीए के दल लगातार कम होते जा रहे हैं, एनडीए में 26 दल ऐसे हैं जिसके पास एक भी एमएलए नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के पास लगभग 30 दल ऐसे जिसके पास एक भी एमपी नहीं है, 330 में से 303 या 304 एमपी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हैरान परेशान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में दुर्गावती का जो रेलवे स्टेशन है वहां से नरेंद्र मोदी जी शायद हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने लगे, और ग्वालियर से चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्हें टिकट नहीं देना, उन पर भरोसा नहीं है, बाकी लोगों पर भरोसा है, नरेंद्र तोमर पर भरोसा कर लिया, प्रहलाद पटेल पर कर लिया, हमारे बेचारे पुराने सिंधिया जी उन पर भरोसा ही नहीं किया, वहां से अमित शाह लड़ जाएंगे शायद। शिवराज सिंह आज आपने, आप तो दीपक भाई इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप बताओ किसी पदेन मुख्यमंत्री का नाम दो लिस्टों में नहीं है, पदेन मुख्यमंत्री का नाम तो पहली लिस्ट में पहले नंबर पर होता है। शिवराज जी को बेइज्जत करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में वसुंधरा जी को बेइज्जत करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और फिर कहेंगे हमारे यहां तो कमिटेड कार्यकर्ता है। तो सच बात यह है कि हमारे अपने अंतर विरोध चूंकि अलग अलग दल में है हम तो थोड़े बहुत हैं, हम उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो अपने ही दल में जितने अंतर विरोध हैं, वसुंधरा राजे जी को, शिवराज चौहान जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से बेइज्जत करके ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ना तो ये तो लड़ भी नहीं पाएंगे, भिड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, जीतने की तो बात छोड़ दीजिए ठीक है ठीक। और ये प्रधानमंत्री जी के जो उवाच है, दुर्गावती रेलवे स्टेशन, नारियल का जूस, वैसे आपको बता दूं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति जी के, महामहिम की मंजूरी मिल चुकी है, 33% महिला आरक्षण अब होगा, बहुत बधाई इस बात की। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नारी शक्ति का शुरू किया था उनको वोट देने का अधिकार, श्री राजीव गांधी ने जो क्या नाम पंचायती राज में शुरू किया था महिलाओं को आरक्षण देने की बात, और कांग्रेस ने जो महिला आरक्षण बिल लाए थे आज उसको क्या दिया जा रहा है उसकी बधाई, लेकिन पिछड़ी महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है ठीक है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो महिला आरक्षण बिल बेमानी है और पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। अब मैं आऊंगा, अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा सुरेंद्र भाई, जवाब याद करके रखिएगा कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो इंडिया का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है मुझे बता दीजिएगा दो लाइन में ठीक है। लेकिन कुलदीप कुमार जी बदले की कार्रवाई है आपने सुखपाल खेरा के लिए जो की है, देखिए वो तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया, वो तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से कोर्ट के अंदर 13 अप्रैल 2023 को एक एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी की जांच में जो भी डस्ट तस्करी का मामला था उसमें वो पाया गया था, उसी के तहत ही कार्रवाई हो रही है, इसमें बदली कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये बताइए, बदली कार्रवाई छोड़िए, आज तो महत्वपूर्ण ये विषय नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज किस कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। अभी जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, अब हमने तो कभी नहीं कहा भाई नितिन गडकरी जी इनसे नाराज चल रहे हैं, मोदी जी से हमने तो कभी नहीं कहा कि सामना ने अपने मुखपत्र में छाप दिया कि वो इनसे नाराज चल रही है, सामना के मुखपत्र में आरएसएस इनसे नाराज चल रही है, हमने तो नहीं कहा कि आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी आज चाहते नहीं कि देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो ये खुद नहीं चाहते वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, तो इनके अनंदर बहुत मतभेद है, मनमुटावे, ये उनको सुलटाने, इंडिया तो अपना सुलटा लेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और यही बहुत मैं तो ये चाहते हूं कुलदीप कुमार जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं आपको प्रवक्ता कांग्रेस का प्रवक्ता आप ना लिखूं, मैं आपको लिखूं प्रवक्ता इंडिया, अच्छा लगेगा, थोड़ा बनाई है जॉइंट मीडिया टीम बनाई है सुरेंद्र जी, बिल्कुल देखिए ऐसा है दीपक भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ दीपक जी हमें तो आप इंडिया लिख लोगे अच्छी बात है, लेकिन भाजपा ही वालों को क्या लिखोगे बेचारों को, वो एनडीए है ना एनडीए नहीं, हम तो हाँ वो मूल रूप से आप बिल्कुल जो चाहे लिखिए, मैं आपकी सद्भावना का सम्मान करता हूं और आपकी निर्मम मीमांसा का भी धनात्मक ऊर्जा से वो लेता हूं, क्योंकि आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं सर, हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से मीमांसाएं करते रहें और आपकी मीमांसाएं हमें एक रखने में सहायक होगी। आने वाले समय में एक चीज जान लीजिए, हमारा गठबंधन लगातार मजबूत होता जाएगा और एनडीए लगातार बिखरता जाएगा ठीक।